हेलो फ्रेंड्स, और आज आपके सामने खड़ी है हुंडई ग्रैंड i10। इसका आज हम फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो ये इसका आप फ्रंट लुक देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए आप, तो क्रोम का यूज़ किया गया है फ्रंट में और हुंडई का लोगो यहाँ पर आपको बीच में मिल जाएगा। और ये इसका ग्रिल, ब्लैक ग्रिल मिलेगा पूरा इसमें, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्रोम वगैरह नहीं है। और ये फॉग लैंप LED DRL के साथ में यहाँ पे आपको ब्लैक हाउसिंग में मिलेंगे। और ये नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाली लाइट वाले जो इसमें आपको हेडलाइट मिलने वाली है, प्रोजेक्टर वगैरह इसमें नहीं दिए गए हैं आपको। अब इसका साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये इसका साइड प्रोफाइल, और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये इसके टायर 14 इंच के टायर मिलेंगे स्टील व्हील्स के साथ में। व्हील केप अवेलेबल है यहाँ पे, हुंडई का लोगो देख सकते हैं आप व्हील केप पे। और यहाँ पे देखेंगे आप टायर साइज, ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। और यहाँ पे देखेंगे आप तो अपोलो के टायर मिलेंगे आपको। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें हम तो 165 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। और व्हील आर्च वगैरह इसमें आपको नहीं दिए गए हैं, साइड बीडिंग जरूर मिल जाएगी। और ये इसके ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ में बॉडी कलर के मिलेंगे यहाँ पे आपको, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्पोर्ट्स मॉडल है ये, और बॉडी कलर के ही डोर हैंडल मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। और यहाँ पे देखा आप, ब्लैक कलर की रूफ रेस दी गई है यहाँ पे। और ये इसका एंटीना, और ये इसका रूफ, ये सब एंटीना। और ये इसका रियर व्हील, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे। अब इसका रियर देख लेते हैं, तो ये इसका रियर लुक दिखता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा आप, हाई स्टॉप लैंप दिया गया है स्पॉइलर के साथ में, ये देखते हैं यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है। रियर डिफोगर यहाँ पे अवेलेबल है, रियर वाइपर नहीं है। ग्रैंड i10 की बेजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, हुंडई का लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स मॉडल की बेजिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 1.2 की बेजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, पेट्रोल वेरियंट है। और ये इसकी टेल लाइट, नॉर्मल टेल लाइट मिलेगी, LED वगैरह का यूज़ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसका रियर बम्पर, रियर रिफ्लेक्टर दिया गया है, और रियर पार्किंग सेंसर यहाँ पे अवेलेबल है, देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप तो रियर पार्किंग कैमरा भी अवेलेबल है, ये देखते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मॉडल में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसका जो है बूट देख लेते हैं, कैसा क्या देखने को मिलता है बूट इसका। तो ये इसका बूट, 256 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा इसमें आपको। और इधर देखेंगे आप तो हुक दिया गया है, लाइट वगैरह नहीं मिलेगी इसमें आपको। फर्स्ट एड किट यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर उठाएंगे तो स्पेयर मिल जाएगा आपको 14 इंच का। और टूल किट यहाँ पर रखा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया जो इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है। रियर पार्सल ट्रे अवेलेबल है यहाँ पर। और ये इसका फ्यूल टैंक ओपनर, इसमें आपको कलर के बारे में बात करें हम तो स्टारडस्ट रेड, वाइट, ऑरेंज, ब्लू और सिल्वर कलर मिल जाएगा। दोस्तों, ये था इसका एक्सटीरियर लुक, कैसा क्या लगा आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और इसके प्राइस के बारे में बात करें हम तो पेट्रोल वेरियंट है ये, और स्पोर्ट्स मॉडल है। इसकी जो प्राइस है वो 7,04,470 रुपये है ऑन रोड धार की। अब इसका इंटीरियर देख लेते हैं हम, कैसा क्या देखने को मिलता है। तो ये इसकी चाबी लॉक अनलॉक के स्विच के साथ में, कीलेस एंट्री मिल जाएगी यहाँ पे आपको। और ये देखते हैं आप ड्राइवर साइड डोर, डुअल टोन में मिलेगा इंटीरियर यहाँ पे आपको, सिल्वर फिनिश मिलेगी डोर हैंडल पे,
और यहाँ पे ORVM के कंट्रोल और लोकल लॉक का स्विच और पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगी, और यहाँ पे बॉटल होल्डर और स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्पीकर दिया गया है, और ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, काफ़ी शानदार लुक है। और ये फ्रंट सीट का लुक, और यहाँ पे गाड़ी की चाबी लगा के ऑन कर लेते हैं गाड़ी को। और ये इसके पेडल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ से आप हेडलाइट लेवलिंग यहाँ से कर सकते हैं आप, एसी वेंट्स राउंड शेप में, और फील्डिंग ओपनर यहाँ पे दिया गया है। अभी चलते हैं अंदर और देख लेते हैं इसका इंटीरियर कैसा क्या देखने को मिलता है। तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये सेंटर कंसोल, रियर में आपको एसी वेंट्स की सुविधा मिलेगी इसमें आपको। तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, ऑडियो कंट्रोल और इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, और इधर एयरबैग की बेजिंग मिल जाएगी, हुंडई का लोगो मिल जाएगा, और इधर आप देख सकते हैं आप रेस्ट और ट्रिप मीटर के कंट्रोल दिए गए हैं, और इधर आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको टेकोमीटर, स्पीडोमीटर और टेम्परेचर मीटर, फ्यूल मीटर दिया गया है, और नीचे MID दिया गया है जिसमें आप ट्रिप वगैरह देख सकते हैं आपकी, और बाकी नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे आपको दी गई है। और ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करेगा USB AUX रेडियो, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, कई सारी जो है चीज़ें सपोर्ट करेगा। और रियर व्यू कैमरा का डिस्प्ले भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, और ये इसके मैनुअल कंट्रोल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और ये मैनुअल AC कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इधर आप देखेंगे इसके नीचे तो 12V का पावर सॉकेट, AUX और USB मिल जाएगी, इसी के नीचे कुछ स्पेस मिल जाएगी आपको। और ये इसका 5 स्पीड का गेयरबॉक्स, इसमें आपको जो है सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे देखें आप तो 2 कप होल्डर मिल जाएंगे आपको, और यहाँ साइड में भी स्पेस मिल जाएगी देख सकते हैं आप यहाँ पे, और हैंड बैग पे भी क्रोम फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखें आप तो एयरबैग की बेजिंग मिल जाएगी आपको, टोटल 2 एयरबैग मिल जाएंगे, और एक ग्लो बॉक्स इस तरह यहाँ पे पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा आपको इसमें। और यहाँ पे देखें आप तो वैनिटी मिरर दिया गया है, को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है यहाँ पे, और ये लाइट दी गई यहाँ पे, और ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर नहीं है, और ग्रैब हैंडल दिए गए हैं फिक्स, फोल्डेबल नहीं है। हेडरेस्ट यहाँ पे आपको फिक्स मिलेगी, एडजस्टेबल नहीं है, फैब्रिक अपोस्टी मिलेगी, और कुशनिंग काफ़ी बढ़िया दी गई है देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका रियर व्यू मिरर, और चलिए देखते हैं रियर की तरफ जाके कैसा क्या देखने को मिलता है रियर में, तो चलिए चलते हैं। और ये इसका रियर डोर देखते हैं यहाँ पे, इधर भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी डोर हैंडल पे, पावर विंडो कंट्रोल और स्पेस मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और इसके नीचे बॉटल होल्डर और स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे आपको, स्पीकर मिल जाएगा। और ये रियर सीट्स का लुक, रियर में भी हेडरेस्ट फिक्स मिलेगी यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड का लुक रियर से कैसा क्या देखने को मिलता है, तो काफ़ी शानदार व्यू आता है पीछे से। और यहाँ पे देखें आप तो रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ से आप फ्लो भी एडजस्ट कर पाएंगे, और रियर की हेडरेस्ट फिक्स मिलेगी, कुशनिंग काफ़ी बढ़िया दी गई यहाँ पे, और बीच में आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया यहाँ पे। रियर पार्सल ट्रे अवेलेबल है, ग्रैब हैंडल भी है हुक के साथ में देख सकते हैं यहाँ पे, हुक दिया गया है, और लेग स्पेस वगैरह ठीक है, हेडरूम भी ठीक है,
दोस्तों ये थी हुंडई ग्रैंड आई 10 स्पोर्ट्स, कैसी क्या लगी आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अब इसका इंजन देख लेते हैं कैसा क्या देखने को मिलता है। तो ये है इसका 1.2 लीटर 1197 सीसी का कापा ड्यूअल VTVT पेट्रोल इंजन, जो कि मैक्स पावर देगा आपको 83 PS की 6000 RPM पे, और 116 NM का टॉर्क देगा आपको 4000 RPM पे, जिससे कि 18 से 20 का माइलेज आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलता है, और इसमें आपको MTB अवेलेबल है। और इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें हम, तो इसमें आपको इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, फॉग लैंप्स, कीलेस एंट्री, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, एयरबैग, ABS विथ EBT, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ये सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो प्रिंस हुंडई इंदौर अहमदाबाद रोड त्रिमूर्ति नगर धार, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हुंडई ग्रैंड आई 10, किसी की लगी आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।